क्या बोलती है अपनी पब्लिक। आज हम फिर से करने जा रहे हैं रिएक्शन वीडियो ऑन आवर लेजेंड अनुभव सिंह बासी। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट। जो 12th बता ना, तो मुझे ऐसा लगता था मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि मैं सब बच्चों के ऊपर सतर्क चला जाऊंगा। वो सारी कंपनी बोलोगे हमारे एक बार जॉब कर लो। प्लीज 5 मिनट के लिए कर लो, हमारी प्रोफाइल इंप्रूव कर दो प्लीज। मैंने सारे एग्जाम दिए जितने होते थे, MBBS का फॉर्म भर दिया, बाकी 3 मिनट मेरे पास। देख लेते क्या पता हो जाए इसमें। IIT AIEEE सारे एग्जाम दिए मैंने। AIEEE मेरी रैंक आई 3 लाख कुछ। पता नहीं इतने बच्चे थे भी कि नहीं थे, या मैंने इंटरनेट कैफे पर रिजल्ट देखा और मैं घर तक अपनी रैंक ही भूल गया। मेरी इतनी बड़ी रैंक आई, घर आके पापा ने रैंक पूछी, मेरी जेब में 100 का नोट था, मैंने नंबर पढ़ दिया उसके पास। यार मेरी रैंक में कॉमा लगे हुए थे यार, ये कोई बात है घंटे की? इंटरनेट कैफे वाले ने पैसे नहीं लिए मुझसे। मैंने कहा भैया कितना वगैरह? बहुत ज्यादा। सुबह से जितने बच्चे आए आपके मिला के आइए, पता आपको? फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, मुझे कोर्स मिल गया केमिस्ट्री ऑनर्स। वो लगी जहर है। हाँ उस टाइम में ठीक से पैक नहीं बना पाता था, तो मैं सॉल्यूशन तो क्या ही मिला लेता आपस में। मैं जो भी चीज मिलाता था उसमें से धुआं निकल जाता था। मैंने सूंघ के देखा नशे भी नहीं हो रहे, मैंने कहा ये नहीं चाहिए लाइफ में। लॉ स्कूल पढ़िया था 5 साल का, इतना बढ़िया हॉलीडे पैकेज था। हम हॉस्टल पहुंचे थे ना, कितने लोग हॉस्टल में रहेंगे? बॉयज हॉस्टल में कितने लोग रहे हैं? ठीक है, जो लोग नहीं रहे हैं तुम्हें रहना ठीक है। एक बार तुम्हें जीवन का वो सार पता चलेगा कि तुम्हें क्या क्या लाइफ में नहीं करना होता। बॉयज हॉस्टल में रहते हैं जानवर जो बोल सकते हैं। हॉस्टल गए, हॉस्टल में रहना शुरू किया। हमारे हॉस्टल में एक बात फैली हुई थी, इस हॉस्टल में एक अंकल जॉन नाम का भूत रहता, जो प्यासा है किस चीज का ये नहीं बता। हम सर सेकंड ईयर जो है वो हमारी रैगिंग लगता, उनका एक ग्रुप था त्यागियों का, मतलब एक लड़का था त्यागी जिसका वो ग्रुप था। यार एक तो सिंगल हमारी रैगिंग लेते, रैगिंग ले पा रहे थे। हाँ मेरे रूम में आके त्यागी आया, ओल्ड मॉम का अद्धा रखा, कहता इसको एक बार में खत्म करना। ये रैगिंग है, इसको पार्टी नहीं कहते? मैं कहा तुम रोज आया करो मुझे रैगिंग लेना। फिर हमारे थोड़े दिन में ऐसा होता रहा कि क्लैश हो रहा है आपस में, तो हमें लगा कि यार हमें भी अपना हॉस्टल में नाम करना है। अब्दुल याद में बीटिंग उसके अलग ही फैन चल रहे हैं। वो आया एक दिन मेरे रूम में आके मुझसे बोला कि बस ही सुन, हमें ना हॉस्टल में नाम करना अपना। मैंने कहा ठीक है करता है, थोड़ी देर रुक जा, कुछ प्लान है? कह रहा कोई प्लान नहीं अभी करना, चलो ठीक है चलो। रात को 1:30 बजे हम निकले नाम करने, पूरे हॉस्टल का चक्कर लगा, समझ नहीं आया वापस आ गया। हमने क्या करे, दीवारों पर नाम लिखते, करना क्या है? फिर हमें लगा कि यार पानी पी लेते हैं, वाटर कूलर गाँव में। मैं कहा अगर हमें अभी ऊपर वाले फ्लोर पर जाएं और जाके उनके वाटर कूलर से पानी पी लें तो कितना नाम हो जाएगा। कि दो लड़कों की हिम्मत देखो, रात को ऊपर आए और सारा पानी पी गए। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम, हमें तो हाथ मिलाए गले मिले एक दूसरे से, क्या बढ़िया आइडिया आया भाई। हम ऊपर गए जाके वाटर कूलर के सामने खड़े, वाटर कूलर के पीछे से आवाज आई, इसमें कभी पानी नहीं आता। हमने साइड से देखा तो त्यागी निकल रहा है नीचे से। हमने देखा, हमने से देखा
बहुत शराब पी रखी है, इतनी देर देर से आपको ले उसके, कह रहा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा हम कहाँ हैं यहाँ? मैंने 15 सेकंड तक कुछ नहीं बोला, हम दोनों यहाँ से चले गए। थोड़ी देर हमने वेट किया, ये चला गया, हम वापस आए, हमने वाटर कूलर चला के देखा, उसमें पानी नहीं आ रहा। हमने कहा आप क्या कैसे नाम कैसे करे हो? फिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हमें लगा कि अगर हम ये वाटर कूलर उठा के अपने रूम में ले चले तो बहुत नाम हो जाएगा। तो हम दोनों ने वाटर कूलर उठाया, इतना ऊंचा था, बहुत भारी, अब्दुल के तो प्राणी निकल गए उठाने। मैंने तो एक हाथ से उठा लिया, आई एम स्ट्रॉन्ग, बहुत भारी था, मुझसे भी हम उठा के थोड़ी दूर चले तो हमने देखा उसके तार लगा हुआ है वहां पर बिजली का। हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला, ये बिजली से चलता है? वापस रखा उसका तार निकाला, उसको उठा के थोड़ी दूर चले, थोड़ी दूर जाके हम थक गए। हमने अब क्या करें इसका, अब तो नहीं मन कर रहा। किसी को बताएंगे कैसे कि हाँ कैसे आया? हमने लेकिन हमने थोड़ी सी और मेहनत करते हैं, थोड़ी देर और लेकिन चलते नीचे तक लाने की हिम्मत थी, थोड़ी देर बाद हम थक गए। हमने कहा सुनो वैसा है, साइड में दिख रही है रेलिंग, हमने नीचे देखा, हमने कहा अगर हम इसे डायरेक्ट भेज दें तो बहुत ही नाम हो जाएगा, सीधा सेकंड ईयर में आ जाएंगे हम सुबह। हमने वो रेलिंग पर रखा, पलट दिया, उसका जो तार था वो रेलिंग में लच गया, अब वाटर कूलर झूल रहा है वहां पर। तुमने कहा कैसा फुदू नाम हुआ हमारा, तुम कोई चीज फेंक नहीं पाए। मैंने तुमसे क्या करना है, कह रहा भाई इसको खींच लेते हैं, उठा दो तू पाया नहीं बस। उसका जो ट्रिपल प्लग है उसकी रेलिंग में लटका हुआ है। भाई अब तो निकलेगा तो है नहीं, कुछ करना पड़ेगा, इसको काट देते हैं। कहता रुक मैं से चाकू लेके आता हूँ। मैं कर लिया, मैं इसमें से इतना बड़ा चाकू लेके आया। मैं कैसे छोड़, पहले मैस वाले के पास चल, मुझे उससे पूछना इससे काटता क्या है वो, ये चिकन के नाम पे ऊँट खिला रहा क्या मैं। रखा उसके प्लग काट रहे हम दोनों, वो कटा, जैसे ही वो प्लग कटा वाटर कूलर नीचे, ग्रेविटी ने अपना काम दिखाया, प्लग वहीं पड़ा। हमने जब तक वो देखा तब तक तो पहुंच चुका था नीचे। तो मैंने एक साल कैसे पढ़ी थी जब मैं ड्यू में था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था फ्रिज में कोई गैस होती है। इतनी तेज ब्लास्ट हुआ पूरा हॉस्टल जाग गया हमारा, सामने वाली बिल्डिंग से वार्डन उठ गया। हमने कहा बहन इतना नाम भी नहीं करना था, सारे लड़के वहां चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके ब्लास्ट सुनते ही कॉरिडोर से आवाज आ रही है, एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब, एक से आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ। वहां वार्डन आ गया, सब लोग इकट्ठे हो गए, हम ऊपर से बैठ के देख रहे हैं रेलिंग, रेलिंग में से ग्रिल जगह होती है उसमें से बैठ के। वार्डन हमारा पता कैसा था, तुम रात को 2 बजे बुला लो, मतलब बुला लो क्या, खुद ही आ जाता था वो, हम तो कभी नहीं बुलाते थे। 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, वो एकदम तैयार हो जाता था, व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट व्हाइट जूते। उसे देख के हमने कई बार पूछा तू ही तो नहीं अंकल जान, रात को तैयार कैसे, तैयार होकर सोता क्या तू, बेड पे पता कैसे चलता कि बेडशीट है तू है। वो आया आगे खड़ा हो गया, उसने देखा वाटर कूलर को देखा, अब तो उसकी लाइफ के इतिहास में पहली बार हुआ था कि ऊपर से कोई नॉन लिविंग चीज आगे गिरी होती। फर्स्ट ईयर के लड़के थे हमारे बैच के थे, उन्हें भी पता नहीं क्या माल मिला हुआ था। इतना एक लड़का निकल के आया कॉरिडोर से, यहाँ वाटर कूलर पड़ा, यहाँ वार्डन खड़ा, यहाँ से आया, इसके बगल में से निकला, से बोलता जा रहा कोई बात नहीं। वार्डन कह रहा इसका रूम चेक करना जरा, क्या कर रहा, ठीक नहीं लगा मुझे लड़का, लड़के कुछ भी बच्चे कर रहे हैं। एक कह रहा सर मैंने देखा खुद गिरा गया। कह रहा सर ये रेलिंग तक आया, फिर इसने देखा नीचे कोई है तो नहीं, फिर ये कूद गया सर। परेशान होगा सर आप जाओ, सो जाओ, वार्डन खड़ा होकर बातें सुनने जा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक में तो बता दे कि अंकल जॉन ने, मैं कहा सर वो प्यासा था।
एक तो हमारे बैच में तिवारी था, वो बना शेरलॉक होम्स। हाँ, उसने एक तो फील में इतनी रहती बना लड़के वहां वकील बने नहीं, अभी फर्स्ट सेमिस्टर चल रहा है। वार्डन से कह रहा माय लॉर्ड आधा माल तो वही खराब हो गया। माय लॉर्ड ये देख रहा वाटर कूलर का तार उठा के, तो मुझे लगता है हॉस्टल में किसी को 3-पिन प्लग की जरूरत थी। तो उसने प्लग तो रख लिया, बचा कुछ फेंक दिया। आई रेस्ट माई केस माई लॉर्ड। मैं क्या करेगा इसका प्लग उठाया, उसको वापस लगा के आ गया। चाकू हाथ में इसके, ये सबूत मिटाया इसने। नीचे चल फटाफट, वहां पहुंचते हम नहीं मिले तो प्रॉब्लम हो गया, नीचे उतरे वहां पहुंचे। तो इतना इतनी ओवर एक्टिंग करता है ये, रास्ते रास्ते में पता नहीं क्या हो गया इसको। हम वाटर कूलर के पास पहुंचे, वाटर कूलर के बाद जैसे उसने देखा ना वाटर कूलर में करा, हाँ मेरी हंसी छूट गई। अभी तो करा है हमने। मैंने कब बोलियो मत कुछ कोई। वार्डन ऊपर पहुंचा साइड पर, साइड पर उसने वहां जाके देखा, अब उस पूरे एरिया में सिर्फ प्लग लगा हुआ। वार्डन ने पहले तो तिवारी को बुला कर देता, कहता केस रीओपन कर दे तुम्हारा। और कुछ बकचोदी मत करियो, बिल्कुल ऐसे शरीर बन के बैठना कि हमसे अच्छा बच्चा ही नहीं इस कॉलेज में। हम रूम में घुसे, आंसू गिरने लगे इसके। अरे बात भी नहीं हुई अभी तक कुछ, तो ऐसे भी नहीं आ रही, यहां से यहां गिर जा रहे इसके सामने बैठे हम। वार्डन बोला तुमसे कि हाँ भाई तुम लोगों ने फेंका था वाटर कूलर। मैंने नहीं सर, कहता पक्की बात। मैं पक्की बात, कहता क्यों फेंका था। मैंने आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है। थोड़ी देर तक कहता तुम्हें नहीं फेंका मुझे पता है। मैं सर हम तो नहीं मान रहे, देखो बाकी आपकी मर्जी है। कहता तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन सीनियर्स रैगिंग नहीं ले पा रहे, वार्डन पनिशमेंट नहीं दे पा रहा, कैसे चल रहा है कॉलेज। नहीं क्या ऑप्शन है, हमने पैरों पैर रख लिया, मेरे को ऑप्शन बताओ क्या। कहता या तो सस्पेंड हो जाओ या फिर फाइन भर दो। हमने कहा अच्छा सस्पेंड क्यों होना है, नाम क्या है, यहीं रहेंगे। मैंने अब्दुल से कहा फाइन। कहता फाइन। हमने कहा फाइन। वार्डन ने लगा दिया हम पे फाइन। हमें लगा था 6,000 रुपए मांगेगा, मुंह पे फेंक के मार देंगे। उसने प्रिंट आउट निकाले हमारे सामने रख के दो पेपर, उसने हम पे फाइन लगाया 1,35,000 रुपए। मैंने वो देखा, मैं कह ये तो कुछ रैंक जैसा लग रहा है। मैं कह सर इतने पैसे क्यों मांग रहे हो, पूरी बिल्डिंग हम से ले लोगे क्या। हमने एक फेंका है वो भी आप कह रहे हो, हमने तो माना भी नहीं अभी तक, इतने पैसे थोड़ी मांगते कहीं। उसने हमें दिखाया वाटर कूलर 1,35,000 रुपए का आता है। मैंने कहा सर देखो ऐसा आप लोग गलती है, अगर ऐसा है तो पहले तो ये चीज आप कॉलेज के ब्रोशर में डालो।
सबको पता चलना चाहिए इतना महंगाई है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे इसमें से प्राइस टैग तोड़ने की? मुझे पता होता है इतना महंगा आता है, मैं रोज सुबह उठ के स्वस्तिक बनाता इस पे। अरे 25,000 रुपए मुझे तो, मैं घड़ा बन के बैठ जाऊंगा वहां पे। मैं ऐसे करके आइसक्रीम निकाल दूं यहाँ तुम्हें। ये कोई बात है करने की? उनके सर इतने पैसे नहीं हमारे पास। कहता मैं तुम्हारे घर पे फोन करूंगा, मैं घर पे भी नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा पापा रही से मैं नहीं हूँ? मैंने अब्दुल से पूछा, मैंने कितने पैसे तेरे पे करा भाई? होंगे 400-500 रुपए। मैं कहा तू FD करा ले जाके पार्क में, 400 रुपए फाइन बोला था तू। उसने कहा तुम्हारे पास परसों तक कटाई, मैं जो करना करो निकलो यहाँ से। उन्होंने कहा ठीक। हम गए हॉस्टल में जाके, हमने लड़कों को बताया कि हमें फंसा दिया गया है और अब पैसों का जुगाड़ करना है। पूरे रात हमने प्लानिंग करी कि कैसे कैसे पैसा आएगा, अलग अलग जुगाड़ करे हमने। 25-30 रुपये इकट्ठे कर पाऊंगा उसकी भी चाय पी के, चाय पे डिस्कस कर रहे थे। सुबह उठे हॉस्टल में, गार्ड आया, हमें बुलाया, हम वार्डन के रूम में गए। वार्डन हमसे कहा कि जिसने भी फेंका था उसका पता चल चुका है। मैं कहा अंकल जॉन पकड़ा के क्या? कहता नहीं आप लोग नहीं, आप जाओ यहाँ से। ठीक है। थोड़ी देर बाद हॉस्टल में एक सस्पेंशन लेटर आया और एक लौंडा सस्पेंड हो गया। लेना एक न देने दो, त्यागी सस्पेंड। त्यागी के हाथ में लेटर आया, मैं कल हॉस्टल में था। सस्पेंस इतना बड़ा हो गया, अंकल जॉन से बड़ा सस्पेंस हो गया, ये कैसे सस्पेंस हो गया? जाके गया वार्डन के रूम में, ऐसे गेट खोल गया, ऐसे अंदर घुसा, बाहर आया ऐसे। बाहर आया, हमने क्या हुआ? कह रहा यार मैं चूते हूँ। वो तो है, हुआ क्या है? कहता यार मैं परसों नशे में गार्ड को बोल के आया था कि ठीक करा दो नहीं तो फेंक दूंगा। Thank you so much for watching this video. If you really like, please do subscribe, hit the like button and share with your friends. And please comment karna mat bhulna. Aur hum aur videos layenge hamare legend Anubhav Singh Basi ka par reaction videos. So प्लीज़ देखना मत भूलना, प्लीज़ नोटिफिकेशन पे हिट कर दो, सब्सक्राइब कर दो कि आपको सारा वीडियो लाइव अपडेट होते रहे जब भी हम अपडेट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।